हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताविश खान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्किल इंडिया विद ताविश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे यहां पर ऑफिस असिस्टेंट जॉब ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कंपनी के अंदर ऑफिस असिस्टेंट का बहुत ही ज्यादा क्रूशियस रोल होता है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है। ये मल्टीपल टास्क यहाँ पे करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे कि ऑफिस असिस्टेंट का क्या काम होता है, फिर उसके बाद बात करेंगे कि यहाँ पर इसके बनने के लिए आपको क्या एजुकेशन चाहिए, क्या स्किल चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर हम बात करेंगे कि ऑफिस असिस्टेंट की क्या सैलरी होती है। तो इस सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जितने हम नए नए वीडियो लेके आ रहे हैं उन सबके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पे बात करते हैं कि ऑफिस असिस्टेंट का क्या काम होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट में इस काम को डिवाइड कर दिया है। तो अब हम बात करेंगे पॉइंट वाइज। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है ऑर्गेनाइज ऑफिस। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जिस कंपनी में या फिर जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस ऑफिस में ऑफिस असिस्टेंट वर्क कर रहा है, वो जो ऑफिस में वर्क कर रहा है उस ऑफिस को मेंटेन करके रखना एक ऑफिस असिस्टेंट का काम होता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा ऑर्गेनाइज वे में ऑफिस को मेंटेन करके रखना। जैसे कि मान लीजिए टेबल के ऊपर कंप्यूटर लगा है तो उसी के पास में प्रिंटर लगा होना चाहिए, सीपीयू लगा होना चाहिए, साथ ही साथ जो फ्लोर है ठीक है वो जो है साफ सुथरा यहाँ पे होना चाहिए। साथ ही साथ जो फाइलें लगी हैं वो जो अलमारी में फाइलें लगी हैं वो जो एक ऑर्गेनाइज वे में लगी होनी चाहिए। कौन सी फाइल कहाँ पर लगी उसको पता होना चाहिए, उसकी एक चिट लगी होनी चाहिए जिसके ऊपर फाइल का नाम लिखा होना चाहिए, पता होना चाहिए कौन सी फाइलें कहाँ पर लगी हैं ठीक है। इस तरीके का मैनेजमेंट वहाँ पर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइज वे में आपको जो है अपने ऑफिस को मैनेज करके रखना है, ये आपका प्रमुख यहाँ पे काम होता है। दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है अपडेट रिकॉर्ड। आपको जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उन सबको मेंटेन करके रखना होगा, अपडेट करके रखना होगा। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि आप जो है एक कॉलेज के अंदर जो है ऑफिस असिस्टेंट पे वर्क कर रहे हैं ठीक है, ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वर्क कर रहे हैं और एक कॉलेज के अंदर वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका काम क्या होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मान लीजिए स्कूल के अंदर जो है जितने भी स्टूडेंट है उन सबकी अटेंडेंस का रिकॉर्ड आपको यहाँ पे मेंटेन करके रखना होगा ठीक है। साथ ही साथ उन बच्चों का कब एग्जाम होना है ठीक है, एग्जाम से पहले जो जो तैयारियां होती हैं उन सबके रिकॉर्ड आपको यहाँ पे मेंटेन करके रखना होगा। साथ ही साथ जो टीचर वहाँ पे वर्क कर रहे हैं उन सबकी जो अटेंडेंस है उसके रिकॉर्ड आपको यहाँ पे मेंटेन करके रखने होंगे, और भी अदर तरीके के बहुत सारे रिकॉर्ड होते हैं उनको आपको यहाँ पे मेंटेन करके रखना होगा। ये रिकॉर्ड सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि वो सिर्फ फाइल के अंदर होंगे, उनको ही आपको मेंटेन करके रखना होगा। इसमें जो है आपको कंप्यूटर के अंदर जो फाइल होती है, एक्सेल की जो शीटें बनती है उसको भी आपको बनाना पड़ सकता है यहाँ पर, तो वो भी आपको यहाँ पे मेंटेन करके रखना होंगे। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा, आपको अलग से फोल्डर बना के सारी चीज़ें सेव करके रखनी होंगी। ये भी आपका यहाँ पे एक काम होता है रिकॉर्ड को मेंटेन करना। यहाँ पर जो हमारा थर्ड नंबर पॉइंट है वो है कोरियर एंड पैकेज को रिसीव करना, साथ ही साथ उनको डिस्ट्रीब्यूट करना और छांटना। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मान लीजिए आप जो है एक ऑफिस के अंदर ऑफिस असिस्टेंट पे वर्क कर रहे हैं ठीक है, तो वहाँ पे आपके पास एक कोरियर का बहुत बड़ा जो है पैकेज आ गया ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पैकेट आए ठीक है। तो क्या होगा, उसको आपको रिसीव करना होगा। आपने उसको रिसीव किया, फिर उसके बाद में आपको उसको छांटना होगा कि कौन सा किसका है ठीक है। छांटने के बाद फिर आपको डिस्ट्रीब्यूट भी करना होगा, ये भी आपका यहाँ पे एक काम होता है ठीक है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा जितने भी पार्सल आते हैं, जितने भी कोरियर्स आते हैं, उन सबको रिसीव करना और डिस्ट्रीब्यूट करना, ये भी आपका एक काम होता है। ऑफिस असिस्टेंट जो होता है उसका एक प्रमुख वर्क ये भी होता है कि जिसका जो पैकेज आया है ठीक है, जिसको जो पैकेज पहुंचाना उसको डिस्ट्रीब्यूट करे ठीक है, उन तक पहुंचाए। जैसे कि मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट जो है फाइलें आती रहती हैं ठीक है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आते रहते हैं ठीक है, यूनिवर्सिटीज से आते हैं, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो कंपनी से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं, तो इस तरीके की चीज़ें आती रहती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पेपर आते रहते हैं। तो आपको ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट जो पेपर आए उनको सिर्फ जो है आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। आपको डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम भी ध्यान रखना है कि जहाँ पर आप पेपर भेज रहे हैं वो सही पर्सन को रिसीव हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। अगर रिसीव आप खुद जा रहे हैं देने के लिए तो आपको वहाँ से रिसीव करवाना है, उनके साइन भी वहाँ पर लेने हैं, जिससे कि पक्का तौर पर यहाँ पर जो है प्रूफ हो जाए कि जिसके जो कागज़ थे वो वहाँ पर उनके पास पहुँच गए ठीक है। तो आपको इसके रिगार्डिंग यहां पे वर्क करना होता है, जो भी पैकेज आए हैं, जो भी पार्सल आए उनको छांटना है ठीक है, फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट भी आपको ऐसे करना है जिस पर्सन का जो पेपर आए, जिस पर्सन का जो पैकेज है उस तक उसका पहुंच जाए ठीक है। इसका आपको रिसीविंग भी लेना है, इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आपका जो प्रमुख यहाँ पे वर्क होता है उसमें एक ये भी वर्क होता है कि जितने भी कोरियर्स आ रहे हैं ऑफिस के अंदर उन सबको जो है रिसीव करना, फिर उनको छांटना, फिर छांट के उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, और डिस्ट्रीब्यूट भी ऐसे करना जो भी सही पर्सन है, जिसका पार्सल आया है, जिसका जो पैकेज है उस तक पहुँच सके ठीक है, उस ऑफिस तक पहुँच सके ठीक है, उस डिपार्टमेंट तक पहुँच सके, इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना होता है। ये भी आपका ऑफिस असिस्टेंट के अंदर प्रमुख वर्क
होता है दोस्तों, हमारा जो यहाँ पे फोन नंबर पॉइंट है, जो ऑफिस असिस्टेंट का वर्क होता है उसमें एक ये भी वर्क होता है कि कोई मीटिंग होनी है ठीक है, तो उसका मीटिंग का शेड्यूल बनाना ठीक है, कब मीटिंग होगी, मीटिंग जो हो रही है ठीक है, मीटिंग से पहले मीटिंग की तैयारी करना कि वहाँ पर कोई चीज़ की कमी तो नहीं है ठीक है, सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज वे में हैं, क्योंकि जब मीटिंग स्टार्ट होती है तो बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, जैसे प्रोजेक्टर की जरूरत पड़ती है ठीक है, सीटिंग के लिए आपकी जरूरत पड़ती, पानी की जरूरत पड़ती है, तो ये सारी चीज़ें जो है वाटर सप्लाई अच्छे से हो रही है, सबको पीने के लिए पानी वहाँ पे व्यवस्था है, इन सारी बातों का ध्यान रखना होता है। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती लेकिन इनका बहुत ज़्यादा मेजर इफेक्ट पड़ता है। तो जो ऑफिस असिस्टेंट होता है उसका काम होता है कि जो भी मीटिंग हो रही है उसका शेड्यूल बनाना, साथ ही साथ जो मीटिंग हो रही है ठीक है उससे पहले मीटिंग की तैयारी करना ताकि मीटिंग के टाइम पर कोई प्रॉब्लम ना आए ठीक है, इस बात का ध्यान रखना होता है ऑफिस असिस्टेंट का, ये भी एक प्रमुख वर्क होता है। इसके बाद में दोस्तों हमारा जो 5 नंबर यहाँ पे पॉइंट है वो है परफॉर्म रिसेप्शनिस्ट ड्यूटी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर जो रिसेप्शन पे जो लोग बैठते हैं ठीक है, उनकी ड्यूटी भी कभी कभी आपको यहाँ पे करना पड़ सकती है, जैसे कि कोई कॉल आ रही ठीक है, तो उसको जो है कॉल को रिसीव करना ठीक है, बात करना उनसे और उस कॉल को ट्रांसफर करना, ये भी जो है आपको यहाँ पे कभी कभी काम करना पड़ सकता है, एक रिसेप्शनिस्ट की ड्यूटी भी आपको कभी कभी परफॉर्म करनी पड़ सकती है। हमारा यहाँ पे 6 नंबर पॉइंट है वो है ऑफिस इक्विपमेंट नॉलेज। आपको जितने भी ऑफिस के अंदर इक्विपमेंट ठीक है, प्रोजेक्टर हैं, कंप्यूटर्स हैं ठीक है, और जो अलग अलग तरीके के इक्विपमेंट में चीजें आती हैं वो सारी चीजें आपको यहाँ पे चलाना आनी चाहिए, ऑपरेट करना आनी चाहिए ठीक है, इस बात का भी आपको यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए कि जो भी ऑफिस के अंदर इक्विपमेंट यूज हो रहा है उन सबकी आपको यहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए, ऑपरेट करना आना चाहिए, ये भी एक ऑफिस असिस्टेंट के वर्क के अंदर ही जो पॉइंट है वो है परफॉर्म्स आल्सो क्लर्क ड्यूटी। आपको यहाँ पे क्लर्क की भी ड्यूटी करनी पड़ सकती है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मान लीजिए एक्सेल फाइल है उसके अंदर कोई शीट बनना है ठीक है, और वहां पर क्लर्क नहीं है, क्लर्क छुट्टी पे है या फिर कोई प्रॉब्लम की वजह से वहां पर नहीं है ठीक है, तो आपको क्या है, अब ऑफिस असिस्टेंट को जो वर्क होगा ठीक है उसके अंदर ये भी वर्क रहेगा, जब क्लर्क नहीं है तो आपको क्लर्क का भी यहाँ पे काम करना पड़ सकता है, इसलिए आपको कंप्यूटर की यहाँ पे नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो आपको क्लर्क का भी यहाँ पे कभी कभी काम करना पड़ सकता है। दोस्तों यहाँ पर जो हमारा 8 नंबर पॉइंट है वो इंटरेक्ट विद क्लाइंट वेंडर एंड विजिटर। आपको यहाँ पर जितने भी वेंडर्स आ रहे हैं, विजिटर आ रहे हैं ठीक है, जितने क्लाइंट आ रहे हैं उन सबसे आपको मिलना होगा, बातचीत करना होगी, जो भी बिजनेस से पर्पस से जो भी मिलने के लिए आ रहा है उन सबसे मिलना होगा ठीक है, अगर वो आपके सीनियर से मिलना चाहते हैं तो आपको सीनियर को जाके बताना होगा कि कौन आया है, कौन आपसे मिलना चाहता है, अगर उनकी परमिशन है तो आपको उनसे मिलवाना भी होगा, ये सारा काम आपके यहाँ पे रहता है ठीक है, जितने भी विजिटर आ रहे हैं, क्लाइंट आ रहे हैं, वेंडर आ रहे हैं, उनसे भी आपको यहाँ पर मिलना होता है। इसको यहाँ पर जो हमारा 9 नंबर पॉइंट है वो है कि जब आप ऑफिस असिस्टेंट का वर्क करते हैं, जॉब करते हैं, तो आपको कुछ छोटे छोटे काम भी करना पड़ते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे कि कंपनी के अंदर जो है फोटोकॉपीज होना है तो आपको फोटोकॉपी भी करना पड़ेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट है उनको स्कैन करना है तो स्कैन भी करना पड़ेंगे, कुछ फाइल डॉक्यूमेंट है उनको आपको अगर संभाल के रखना है ठीक है, उनको मैनेज करके रखना है तो वो भी आपका यहाँ पे काम के अंदर आता है ठीक है, तो आपको यहाँ पे फोटोकॉपी भी करना पड़ सकती है, साथ ही साथ कुछ डॉक्यूमेंट अगर स्कैन होना है तो वो भी आपको यहाँ पे करना पड़ सकते हैं, फाइलों को सेव करके रखना वो भी आपका यहाँ पे काम होता है कि रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखना, संभाल के रखना, साथ ही साथ कुछ मेल करना है तो वो मेल भी आपको यहाँ पे करना पड़ सकते हैं, ये भी आपका यहाँ पे प्रमुख काम रहता है। इसके बाद हमारा जो 10 नंबर पॉइंट है वो है डेटा एंड रिकॉर्ड मेंटेन। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको यहाँ पर रिकॉर्ड को मेंटेन करना होगा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो भी डाटा है आपका ठीक है, जो भी किसी भी काम से रिलेटेड जो भी डाटा है ठीक है, जो भी रिकॉर्ड्स हैं उन सबको आपको मेंटेन करके मैनेज करके रखना होगा। जो हमारा 11 नंबर पॉइंट है वो है ऑफिस स्टेशनरी एंड स्टॉक मैनेजमेंट। यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए ऑफिस के अंदर जो है बहुत सारी स्टेशनरी आती है, पेंसिल आते हैं, पेन आते हैं ठीक है, रबर्स आती है ठीक है, फाइलें आती हैं जो बाजार से खरीद के आती हैं ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर जो आपकी स्टेशनरी में जैसे कि और जो है फोटोकॉपी के जो पेपर्स होते हैं वो आते हैं ठीक है, और भी प्रिंटर से रिलेटेड वर्क से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो आती हैं ठीक है, रजिस्टर आते हैं, उन सबको यहाँ पर मेंटेन करके रखना ठीक है। यहाँ पर जो आपका स्टॉक है ठीक है, जो भी स्टेशनरी आपके जो ऑफिस के अंदर आ रही है ठीक है, उसका जो है जितना भी बिल है उन सबको संभाल के रखना ठीक है, कहाँ से आई है, कहाँ पे यूज़ हो रही है ठीक है, इन सब बातों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना होता है। जो भी आपका स्टॉक मैनेजमेंट होता है वो भी आपको यहाँ पे करना पड़ता है, आपको अपना स्टॉक मैनेजमेंट को अच्छे से संभाल के रखना होता है, जो भी स्टॉक आपके यहाँ पे आ रहा है और कहीं पे जा रहा है तो उसका आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, और उसकी जो है जो भी रिसीविंग है, जो भी यहाँ पे बिल है ठीक है, उनको आपको अपने पास संभाल के रखना होता है ठीक है, इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना होता है कि अगर आप ऑफिस असिस्टेंट पे वर्क करेंगे तो स्टॉक मैनेजमेंट का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। इसके बाद हम दोस्तों यहाँ पर जो हमारा 12 नंबर पॉइंट है, 12 नंबर जो पॉइंट है उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपका जितने भी, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया जितने भी बिल होते हैं ठीक है, जो भी सामान खरीदा गया आपके ऑफिस से ठीक है, आपकी कंपनी के अंदर जो भी सामान खरीदा गया, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सामान खरीदा गया, अगर आप कॉलेज में काम कर रहे हैं वहां पे जो सामान खरीदा गया ठीक है, उसके जितने भी बिल होते हैं उन सबके बिल को संभाल के रखना, जो भी महीने की एंड डेट होती है उस टाइम पर उन सारे बिल को इकट्ठा करना, उसकी
एक एक्सेल जो है शीट बनाना, ठीक है, उन सारे बिल को पंच करके संभाल के रखना और जो भी आपके सीनियर हैं उन तक पहुंचाना, ये भी आपका एक काम होता है। सारे जितने भी बिल होते हैं उन सबको मैनेज करके रखना होता है। दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं कि आप अगर ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास क्या एजुकेशन होनी चाहिए, क्या स्किल्स होनी चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप एनी ग्रेजुएट हैं, आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अब हम यहाँ पे बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स गुड होनी चाहिए, यहाँ पर आपकी हिंदी इंग्लिश आपकी जो कम्युनिकेशन है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर आपको कंप्यूटर की भी नॉलेज होनी चाहिए और यहाँ पर आपके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए कि आप टीम के अंदर अच्छे से काम कर सकें, टीम के साथ में मिलकर काम कर सकें, ये भी आपके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं सैलरी, हमें यहाँ पर सैलरी कितनी मिल जाती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको यहाँ से 15,000 से 20,000 रुपए के बीच में आसानी से सैलरी मिल जाती है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको 15,000 से 25,000 रुपए के बीच में आसानी से सैलरी मिल जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हम ऑफिस असिस्टेंट बनना चाहते हैं तो रिसेंट में हम कैसे इस जॉब को पाएं, कैसे हम अप्लाई करें। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर आप इस टाइम पर जॉब सर्च कर रहे हैं तो आप जो है मेरे और वीडियो देख सकते हैं, वहां भी मैंने आपको यही बताया है कि सबसे ज्यादा इजी और सबसे अच्छा है कि आप जो है naukri.com के ऊपर जाइए, वहां पे फ्री में आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन के अंदर जो है जो डिटेल मांगी गई है प्रोफाइल बनाने में, वो सारी डिटेल वहां पे फिल कीजिए। साथ ही साथ आपका जो अपडेट रिज्यूम या फिर CV है वो वहां पे अपलोड कर दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद में आप सर्च के ऑप्शन पे जाइए, वहां पे अगर आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सर्च में जाके ऑफिस असिस्टेंट लिखिए, ठीक है। फिर उसके बाद उसको सर्च कीजिए, सर्च करने के बाद आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा कि वहां पर आपको डिफरेंट कंपनी के ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी वहां पर देखने को मिल जाएगी। आप सिंपली उसको पढ़िए, ठीक है, जो भी आपको पोस्ट अच्छा लग रहा है, जहां की आपको लोकेशन में सही बेटर लग रहा है, ठीक है, जिस लोकेशन में आप करना चाहते हैं वो सारी चीज़ आप पढ़ लीजिए, जो जो वहाँ पे मांगा गया। अगर आपको सब कुछ सही लग रहा है तो नीचे अप्लाई का ऑप्शन होता है, वहाँ पे कहीं कहीं पे HR का नंबर भी होता है, तो आप उनसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं या फिर वहाँ पे अप्लाई तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको यहाँ पर जानकारी दी ऑफिस असिस्टेंट से रिलेटेड वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, इसी तरीके का और वीडियो देखना चाहते हैं, तो सिंपली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं, इसके बारे में भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।